नमस्कार, मैं अक्षयानंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार को मेडिका हर्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बीपी लो होने की शिकायत थी, कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहे थे, जिस कारण बीपी बहुत लो हो गया। आनंद फानन में उन्हें मेडिका हर्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। कल सुबह उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार अस्पताल में भर्ती हैं। कई दिनों से एक के बाद एक चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी था। हमने नॉमिनेशन की भी तस्वीर आपको दिखाई थी, जब काला टीका लगाकर अरुण कुमार जहानाबाद से नॉमिनेशन करने पहुंचे थे। दाव ठोक रहे हैं जहानाबाद से चुनाव लड़ने का, अभी वहां से सांसद हैं। रालोसपा के टिकट पर सांसद बने, मगर फिर रालोसपा छोड़ दिया। महागठबंधन में कोई सहमति नहीं बन पाई, तो अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। भूमिहार समाज की ओर से उन्हें यह आश्वासन मिला है कि समाज एकजुट रहेगा, उन्हें जितवाएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स जदयू और महागठबंधन ने वहां फाइल किए उनसे संतुष्ट नहीं है वहां का जो भूमिहार समाज है वो। इसको लेकर के खासतौर पर उन्होंने ऐलान किया था चुनाव लड़ने का। एक के बाद एक कई दिनों से सिलसिला चलता आ रहा था चुनाव प्रचार का, इसी कारण से वो ठीक से सो नहीं पा रहे होंगे, और ठीक से नहीं सो पाने के कारण उनकी बीपी अचानक से बहुत लो हो गई। तब उन्हें आनंद फानंद में पटना के मेडिका हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में अरुण कुमार को रखा गया है। हालांकि अब उनकी हालत को ठीक बताया जा रहा है, वो खतरे से बाहर है। सुबह तक उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा, और जो कुछ भी अपडेट होंगे यह भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।